गिहार समाज की बेटी नैन्सी गिहार की 21 सितंबर को जो हत्या हुई है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो गिहार समाज के आज प्रतिनिधि मंडल आज नैन्सी के गांव आया है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि एक बार उन्नाव पुलिस का चेहरा फिर देश के सामने बेनकाब होता नजर आ रहा है। आप लोगों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पीड़ित पक्ष जिस तरह से हिम्मत जुटाया है कि असली मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से एक भी पीड़ित परिवार को सुरक्षा न प्रदान किया जाना, इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं से जो मुलजिम है उनको सत्ता का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। और सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के कारण कहीं एक बार ऐसा नहीं लगता है कि फिर से कहीं पीड़ित पक्ष के लोगों को इनका भी एक्सीडेंट कराकर और इनकी जवान को रोकने का काम किया जाए। तो आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को, जो पीड़ित परिवार जिनका नाम ले रहा है, तो उन मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि हमारे समाज की बेटी की हत्या हुई है। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती है, उन्नाव पुलिस अगर अपनी हरकत पे बाज नहीं आती है, तो मिशन सुरक्षा परिषद पूरे देश में हम एक बार भारत बंद करेंगे और भारत बंद करके बेटी नैन्सी को न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और हमारे समाज की बेटी का मामला है, हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में पूरे सरकार का चक्का जाम करेंगे और बिटिया को न्याय दिलाकर ही हम लोग मानेंगे। ये मिशन सुरक्षा परिषद हमारा सामाजिक संगठन है, जिसमें हमारे गिहारा समाज के लोग बड़े पैमाने में हमारे संगठन से जुड़े हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई दूसरी पार्टियां राजनीति करेंगी, लेकिन हमें अपने समाज को न्याय चाहिए, बिटिया को न्याय चाहिए, मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुकम्मल होनी चाहिए। आप लोग कप्तान से इस बात के लिए भी आप लोग दबाव बनावे कि यहाँ पर गारत पड़े और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि इनका अपहरण न हो जाए, इनका एक्सीडेंट न करा दिया जाए, इनको धमकाया न जाए। आप लोगों से अपील करते हैं। कार्रवाई मेरी लड़की गई थी, प्रधान ने बुलाया, राजेश प्रधान बुलाया वहाँ पर, मेरी लड़की गई, फिर लौट के वापस नहीं घर आई, वापस घर नहीं आए। मैं ढूंढती रही, 6 बजे प्रधान के घर गई, प्रधान मौके पे नहीं मिले। दूसरा दुकानदार हमको बताया कि देखो वो 3 दिन के बाद आ जाएगी, वो नखलऊ गई, तो हम खाना आना बनाओ जाकर, वो 3 दिन के बाद आ जाएगी। 3 दिन के बाद हमें बॉडी मिली। आगे तब मैं गई थाने के पास, दो दिन दौड़ती रही, मेरी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे मौके पे मोनू खड़े थे, तो मोनू बूझा तुम क्या लेने आई थाने। मैंने कहा मेरी लड़की गई है। मैंने कि भाई इनकी भी सुन लो, थोड़ी इनकी भी सुन लो, कुतवाल से बोले कि इसकी भी सुन लो। कुतवाल को मैंने तहरीर दिया, कुतवाल ने फाड़ के फेंक दिया। तब मैं फिर दोबारा गई, दोबारा मैं अपनी मर्जी से 2 मुलजिम बनाकर भेज दिया। मगर जो मुलजिमों को मैं राजेश प्रधान, सचिंदर, दिलीप, कल्लू कुर्मी, संतोषी, ये 5 इनको 5 लोगों के लिए मैंने तहरीर दिया, दूसरे मुलजिम लगा के भेज दिया। मेरी कोई थाने में इतना रुपया खाया सीओ, इतना रुपया खाया कुतवाल और ये मोनू के ठाकुर के पास पुलिस हटती नहीं थी। 12 बखत मेरी जिस समय लहस मिली समय मोनू के पास थी पुलिस, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। न पुलिस लगाकर उन्नाव तक मैंने सब चीज कर डाला, मेरी कोई न बेचपी ने किसी में मेरी सुनवाई नहीं। क्या लगता है जिन लोगों को जेल में भेजा गया है वो निर्दोष हैं? वो सर निर्दोष है, और जो अभी मुलजिम अभी एक भी नहीं, असली मुलजिम कोई नहीं गया इसे। सभी मुलजिम फरार हैं? हाँ सर, पूरी मुलजिम पूरे फरार घूम रहे हैं। यहाँ पे कल फेर कर दी गई पूरे कुर्मियों से, मैं ऐसे मिलती मांगती रही, मेरी कुर्मी कोई सुनवाई नहीं किया। और चमारों से चमार लोग सारे कुर्मी की नौकरी करते हैं, पूरे ग्रुप में है सर, कोई सबको मालूम है ये बात सर, कोई कहता नहीं है। अभी किसी कोई दबाव बनाया जा रहा है? दबाव इतना बना जा रहा है कि सर हम रात रात सोते नहीं हैं।
पूरी रात नहीं सोते हैं, दिन भर भी नहीं सोते हैं, हम टहलते घूमते फिरते हैं, ठीक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम गए मोनू के पास मदद मांगने के लिए, मोनू ने हमारी, हमने पैर पकड़ लिया मोनू, कोई सुनवाई नहीं किया मोनू ने हमारी। ये मोनू है कौन? ये मोनू ठाकुर है, खबर बॉडी की हमको वहीं से मिली, विमल ठाकुर उसका भाई बताया तुम्हारी लड़की की बॉडी कुछ पड़ा है वह बाग में, कल्लू के बाग में, कुर्मी कल्लू के बाग में बॉडी पड़ी है, वहां जाओ। मैंने घर वालों से बताया सबको, चलो वहां देखो चल के, मेरे बच्चे छोटे छोटे सब लोग गए साथ में मेरे। बेटी घर से क्या कह के निकली थी? बेटी कह के गई मैं प्रधान के पास जा रही हूँ, अब पर्ची भी ले गई बेटी मेरी, प्रधान के कागज भी ले गई है, मैं प्रधान पहुंची बेटी तो वहाँ, बेटी जब पहुंची तो वहाँ जानकारी कई लोगों से किया हम लोग, तो कहने लगे वो दो तीन दिन में आ जाएगी, वो भी आप ही लौट के नहीं मेरी बेटी आई, मैं खुद जांच किया, पूरा गांव ढूंढा, हर आदमी से मदद मांगा, वो भी नहीं हमको मिली। कितने बाद बेटी की जानकारी हुई? 3 बजे गई बेटी मेरे घर से जानकारी, 4-5 बजे हम लोग जानकारी करने लगे, 5 बजे जानकारी करने लगे, 7 बजे तक लड़की को ढूंढा, फिर इधर उधर ढूंढते रहे, 9 बज गया, 9 बजे लड़की जहां बॉडी मिली वहां प्रधान खड़ा बॉडी के सामने, बाग के सामने, जब हम लोग गए थाने कहने लगे तुम्हारी खोपड़ी ये सर तोड़ के रख देंगे तुम्हारा। ये बात किसने कही? प्रधान ने, राजेंद्र ने कहा, तो हम लोग गए वहां पर, हमारी कोई नहीं हुआ सुना, तब सुना नहीं, फिर घर आ गए हम लोग। अभी सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए हमको, जो जिन बच्चों को फंसाया गया है, जो फंसाया गया है वो बेकसूर है, और जो ये खुला घूम रहे हमको धमकी भी देते, हमने मार डाला, तुम कंजड़ हो के ग्यारह हो के क्या कर सकते हो, क्या नहीं, कुछ नहीं कर पाए आप लोग, मिली आप लोगों को हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, दबाव बहुत लोग डाल रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं मिली।